नमस्कार दोस्तों, तो इस महीने 5 तारीख को इंडिया पे पोको M5 सीरीज़ लॉन्च होने वाला है। लेकिन पोको M5 सीरीज़ के अंदर जो पहला स्मार्टफोन आएगा उसका नाम है पोको M5। दूसरा फ़ोन इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है पोको M5S। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, आई बटन में देख सकते हैं। और वो वाला स्मार्टफोन इंडिया पे शायद एक महीने के अंदर लॉन्च होगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द पोको M5 प्रो नाम का एक स्मार्टफोन आएगा, वो इंडिया पे 2 महीने बाद लॉन्च होगा। लेकिन इस वीडियो में आपको यही चीज़ बताऊंगा कि जो पोको M5 वाला जो स्मार्टफोन आने वाला है इसका फुल स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन और किस प्राइस रेंज में लॉन्च होगा, इस सब कुछ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि जितना मुझे मालूम है पोको M5 का एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन अभी किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे सोर्स की तरफ से इसका फुल इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटल चैनल पर नए हैं और ऐसी स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते तो गैजेटल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे जो पोको M5 लॉन्च होने वाला है इसका डिज़ाइन कैसा होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं एकदम HD क्वालिटी में डिज़ाइन है। ये जो स्मार्टफोन पोको के हर एक फोन के जैसे आपको टोटल 3 कलर पे मिलेगा। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना कि इसके पीछे आपको इस बार नॉर्मल कोई प्लास्टिक या फिर ग्लास बॉडी नहीं मिलेगा, टोटली लेदर का बैक कवर आपको मिलेगा, जिसे कि जब आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करेंगे तो फोन का ग्रिप बहुत ही बेटर होगा। तो इस स्मार्टफोन का थिकनेस है 8.1 मिलीमीटर और इसका वेट है 183 ग्राम। डिस्प्ले के मामले में आपको इसे मिलेगा 6.58 इंच फुल HD प्लस 90Hz IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ है 180Hz का टच सैमलिंग रेट, 500 निट्स के आसपास मैक्सिमम ब्राइटनेस, गोइला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, 89% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। और ये चीज़ ध्यान में रखना है, इसका जो डिस्प्ले वो आपको पुराने ज़माने के जैसा वाटर ड्रॉप नॉच आपको मिलेगा, यहाँ पे जिसे मैं कहता हूँ वी शेप्ड नॉच। प्रोसेसर की अगर बात करें, यही एक्चुअली इसका मेन सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा हीलियो G99 4G प्रोसेसर जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है और इसका अनटूटू स्कोर है 378,000 के आसपास। वैसे मैंने इसके साथ बहुत सारे कंपैरिजन वीडियो बना दिया है, आप गैजेटल चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। कैमरे की अगर बात करें आपको इसे मिलेगा 58 और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अब ये जो 8 मेगापिक्सल का सेंसर वो एक्चुअली एक अल्ट्रावाइड वाला सेंसर है और जो 2 मेगापिक्सल का सेंसर वो एक टेलीफोटो और मैक्रो सेंसर का मिक्सचर है। ये जो स्मार्टफोन आपको टोटल 3 वेरिएंट पे मिलेगा, 464GB, 664GB और 612GB, ये टोटल 3 वेरिएंट पे आपको मिलेगा। इसका रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी का क्वालिटी है UFS 2.2 और इसके साथ डेफिनेटली आपको 2+1 कार्ड स्लॉट मिलेगा। और इस प्राइस पॉइंट के पोको के बाकी फ़ोन के जैसे आपको मिलेगा 2GB तक का वर्चुअल रैम। बैटरी अगर बात करें, इसमें आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, 33W का चार्जर और कनेक्टिविटी होगा USB Type-C। तो इसके बाद अगर मैं इसको जो बाकी फीचर की अगर बात करें तो आपको इसे मिलेगा डुअल स्टीरियो स्पीकर जिसके साथ होगा डॉल्बी एटमॉस का सर्टिफिकेशन, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm जैक, एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स और IR ब्लास्टर भी डेफिनेटली हमें मिलेगा। तो अब जो सबसे मेन चीज़ किस प्राइस में लॉन्च होने वाला है, क्योंकि इसका जो लॉन्च डेट वो तो ऑलरेडी आपको मालूम है। तो मेरे सोर्स की तरफ से एकदम कन्फर्म इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, इसका जो 3 वेरिएंट इंडिया पर लॉन्च होगा उसका बेस वेरिएंट का प्राइस होगा 13,000, सेकेंड वेरिएंट का प्राइस होगा 14,000 और थर्ड वेरिएंट का प्राइस होगा 16,000 रुपये। तो मतलब ये जो फ़ोन इंडिया पे 13,000 से शुरू होगा। तो अभी हर वीडियो को जैसे इस वीडियो में आपको कहूँगा कि क्या इस प्राइस पॉइंट में ये जो फ़ोन वो आपके लिए बेटर है या फिर सेम प्राइस पॉइंट में दूसरा कोई फ़ोन इससे भी बेटर अवेलेबल है। तो देखिए, पहले तो हम बात करेंगे ये जो 16,000 वाला वेरिएंट इसके बारे में। तो इसके अंदर का जो हीलियो G99 वाला प्रोसेसर एग्जैक्टली सेम प्रोसेसर के साथ इन्फिनिक्स वालों ने लास्ट हफ्ते लॉन्च कर दिया है इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो वाला स्मार्टफोन। अगर हम उसके इसका कंपैरिजन करते उसका प्राइस पोको के इस फोन के मुकाबले 1,000 रुपये ज्यादा है। लेकिन अगर आपके पास बैंक का ऑफर है तो इन्फिनिक्स का वही स्मार्टफोन आपको 2,000 रुपये डिस्काउंट में मिलेगा, मतलब एग्जैक्टली 15,000 रुपये के आसपास आपको मिलेगा। और उस प्राइस पॉइंट में इन्फिनिक्स आपको दे रहा है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 108 मेगापिक्सल कैमरा जो कि इस पोको के फोन पर अवेलेबल नहीं है। और इन्फिनिक्स के उस फोन का एक और खासियत है कि उसमें आपको 8 256GB स्टोरेज मिलेगा जो कि पोको में अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब 16,000 रुपये वाला पोको का वेरिएंट प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर हम 14,000 रुपये वाले वेरिएंट के बारे में बात करें, 14,000 पे पोको की तरफ से अवेलेबल है पोको M4 Pro 4G वाला वर्षन, या फिर कभी कभार सेम प्राइस पॉइंट में आपको पोको M4 Pro 5G वाला स्मार्टफोन अवेलेबल होता है, या फिर सेम प्राइस पॉइंट में कभी कभार आपको IQ Z6 का 5G वाला स्मार्टफोन अवेलेबल होता है। तो अगर आप ये सभी फ़ोन के 5G ऑप्शन को देखते, Dimensity 810, Snapdragon 625 ये सब प्रोसेसर आपको मिलेगा, उसके मुकाबले हीलियो G99 स्लाइटली लोअर है। लेकिन इसके अलावा बाकी सभी मामले में ये जो फ़ोन इस पोको M5 के जैसा ही है। और इसके अलावा अगर हम इसके 13,000 वाले वेरिएंट के बारे में बात करें, सेम प्राइस पॉइंट में बाकी ऑलमोस्ट सभी ब्रांड आपको सुपर
सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करेगा। लेकिन पोको के इस फोन में आपको सुपर एमोलेड आपको नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पोको के इस फोन में आपको जो मिल रहा है कैमरा, स्टोरेज क्वालिटी, बैटरी, चार्जर, स्पीकर सिस्टम, सब कुछ एक्जैक्टली इस प्राइस पॉइंट में बाकी फोन के जैसा ही है। तो मतलब वीडियो के आखिर में अगर मैं मेरा ओपिनियन देता हूँ तो देखिए हीलियो G99 के साथ ये जो फोन लॉन्च हुआ है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्राइस पॉइंट का बेस्ट क्वालिटी का स्मार्टफोन है, लेकिन हाँ टॉप 3 सबसे बढ़िया गेमिंग या फिर परफॉर्मेंस देने वाले फोन में से एक तो डेफिनेटली है। आप पोको का ये जो फोन लॉन्च हुआ है मैं इसे डेफिनेटली नंबर वन कहता 13,000 पे। अगर इसका जो डिस्प्ले वो सुपर एमोलेड होता तो मैं 100% इसे नंबर वन कहता। लेकिन क्योंकि इसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले मिल रहा है, वो भी पुराने जमाने का वही वी शेप नॉच मिल रहा है, तो इसलिए मेरे ख्याल से टॉप 3 सबसे बढ़िया फोन में से पोको M5 डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट में होगा। तो भी आप मुझे जो क्वेश्चन जरूर बताना कि जो पोको M5 हीलियो G99 के साथ एग्जैक्टली इसी स्पेसिफिकेशन के साथ 13,000 पे जो लॉन्च होने वाला है, तो क्या आप इस प्राइस पॉइंट में इसे लेना चाहेंगे या फिर किसी दूसरे फोन का आप लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।